सुप्रभात किसान साथियों, आप सब कैसे हो। फार्मर द जर्नलिस्ट पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कैलाश पटिवाल। साथियों, सुबह सुबह सर्दी का मौसम है, जैसे मुंह से धुआं निकल रहा है आपको पता ही होगा, और हल्की हल्की धूप निकली है। मेरे पशु धूप सेक रहे हैं, आप देख लीजिए। साथियों, सर्दी के मौसम में पशुओं को विशेष तौर से ख्याल रखना होता है ताकि उनको सर्दी का एहसास कम हो और जो दूध है वो कटे नहीं। तो मैं आज आपके सामने मेरे पशु आहार की जानकारी देने वाला हूँ आपको, किस तरीके से पशु आहार पशुओं को खिलाए और कौन से पशु को किस तरह का पशु आहार खिलाना चाहिए। तो आप मेरे सामने जो इसे टप में पशु आहार देख रहे हो, इसके अंदर एक तो खल है, दूसरा इसके अंदर है मिक्सर की खली, जिसमें कई तरह की अपने चना वगैरह मक्का ये चलती रहती है। तो सबसे पहले काम हमें ये करना है, इसको अच्छी तरीके से हिला लेना है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बराबर मात्रा में पशुओं को डाल देंगे ये दूसरे टप में, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद हमें करना यह है कि सबसे पहले तो जो अपने पशु कम दिन का बेहवा हुआ है और अधिक दिनों का जो पशु बेहवा हुआ है, उनके लिए खाना अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि पशु के हिसाब से ही खाना हमें सेट करना पड़ता है। तो ये जो खाना है मैं गाय के लिए सेट कर रहा हूँ अपने, ये लगभग बहुत कम दिनों की, 1.5 महीने की ब्याई हुई है, तो इसमें मैं सबसे पहले मिला रहा हूँ बाजरी। उसके बाद इन तीनों में बाजरी का दलिया डाल रहा हूँ। उसके बाद में मैं जो का दलिया प्रयोग करूंगा साथी, आप देख रहे हो बाजरी के दलिये में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है और जो पशुओं को है दूध बढ़ाने में बहुत अच्छा नुस्खा है। साथ ही इस जो के दलिये की बात करूं तो इसका फायदा यह है साथियों, पशु की हेल्थ से संबंधित बहुत अच्छा काम करता है, पशु की हेल्थ बनी रहती है। अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा जो अपने बियर बनती है उसमें भी जौ का पानी यूज में लिया जाता है। उसके बाद अब जो अपने कम दिनों के गाय ब्याई हुई है उसके लिए गुड़ का पानी भी देना होता है। तो आप देख रहे हो मैं इसमें कुछ मात्रा में गुड़ का पानी मिला दूंगा, थोड़ा सा बचा लूंगा क्योंकि और भी पशुओं को मेरे को देना है बीच में से। इसके साथ ही आज मैं एक आपको ऐसा तेल दिखाने वाला हूँ जो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे ताकतवर तेल है। आज तक साहित्य कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा इस तेल के बारे में। आपने कई ऐसे पशु आहार देखे होंगे जिनसे लगभग कोई 3 दिन में गारंटी लेता है, दूध बढ़ने की कोई 4 दिन में लेता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसान साथियों, आपका दूध और फैट पशु की 24 घंटे में नहीं बदले तो मुझे आज के बाद मेरे इस चैनल को देखना छोड़ देना। तो मैं ये आपको तेल की जानकारी दे रहा हूँ, ये तेल है साथियों तिल्ली का तेल, देखना आपको अभी सामने दिखाऊंगा साथियों। अब जरा गौर से देख लीजिए इस तेल को, आप इसकी खुशबू से पहचान जाओगे कि वास्तव में तेल है। अगर साथियों बात करें तो पूरी दुनिया में कहीं भी आपको इसका प्योर तेल मिल ही नहीं सकता। कोई साथी प्रयोग करना चाहे तो आपको सबसे पहले तो एक नॉर्मल किसान से तिल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद जो आपके गांव में देसी घाणी वाले होते हैं, छोटी छोटी जो चक्कियां होती है उस पे ही आपको तेल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा तेल है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्योर मिलता भी नहीं है। अगर वर्तमान समय में इसकी जो छोटे मोटे गांव में घणी वाले होते हैं 350 रुपये किलो के आसपास इसको बेच रहे हैं,
और वो भी मेरे ख्याल से प्योर है भी नहीं। अगर आप प्योर यूज में लेना चाहते हो तो खुद ही निकलवाएं, क्योंकि इसका 24 घंटे में रिजल्ट है। इसके साथ ही पशुओं के साथ ये अपने इंसानों में भी काम करता है। अगर किसी भाई की एक्स्ट्रा चर्बी है तो आप मेरे कहने से 15 दिन तक इसको खिला दो, चर्बी गायब हो जाएगी। साथ में ही अगर आप सर्दियों में इस तेल का यूज करते हो पशुओं के लिए, तो आपके पशु में किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी। साथियों तो देख लीजिए मैं इसको किस तरीके से अपने भैंस के लिए मिला रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए किसान साथियों। एक नंबर प्योर चीज है, मेरे ख्याल से आज के टाइम में ओरिजिनल घी मिल सकता है लेकिन ये तेल नहीं मिल सकता। उसके बाद हमें इसको अच्छी तरीके से हिला लेना है। आप साथियों मैं आपको दावे के साथ यही कहता रहूंगा कि आप लोग अगर इस तेल को एक बार यूज में लोगे तो आप मान जाओगे कि वास्तव किसी किसान साथी ने हमें एक ऐसा तेल बताया था जो हमारे लिए बहुत काम का हुआ। अच्छी तरीके से हिला लीजिए, क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से हिलाते नहीं है तो क्या कि पशु कई बार इसे बड़े चाव से नहीं खाता। आप देखिए साथियों थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ता है इसके अंदर ताकि ये मिक्स हो जाए। तो साथियों ये हमारा पशुओं के लिए फीड है, वो पूरी तरीके से बढ़ के तैयार है। हमारे पशुओं का फीड कैसे लगा और जो मैंने नुस्खा बताया है एक बार अजमा कर जरूर देखें। साथ में ही बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।